हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्केल में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आज मेरे पास ये जनित स्केल की ऑफलाइन की टीम है और आज मैं इनको प्रैक्टिकल LT पैनल रूम में लाया हुआ हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा कि ACB कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, ACB दो प्रकार की होती है, EDO और MDO। EDO इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट और MDO मैनुअल ड्रॉ आउट। तो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ACB पे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये ACB हमारी EDO है या MDO है। लाइए कैमरे को थोड़ा आगे, टॉर्च ऑन कर लेना। दोस्तों, ये हमारा ACB ब्रेकर है, ये 4000 एम्पियर रेटिंग का है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये ब्रेकर EDO है या MDO है? दोस्तों, यदि ब्रेकर को हम जितनी बार ऑन ऑफ कर रहे हैं और हमें इस हैंडल से ब्रेकर को चार्ज करना होता है तो उस ब्रेकर को हम MDO कहते हैं, मैनुअल ड्रॉ आउट। और यदि हम अपने ACB ब्रेकर को कितनी भी बार ऑन या ऑफ करें और हमें हैंडल से स्प्रिंग को चार्ज नहीं करना पड़े तो उस टाइप के ब्रेकर को हम EDO ब्रेकर कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट। दोस्तों, इसका मेन फंक्शन, इसके अंदर एक चार्जिंग मोटर होती है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि वो मोटर कहां लगी होती है। मेन रोल चार्जिंग मोटर का होता है, जो हमारा EDO ब्रेकर होता उसके अंदर चार्जिंग मोटर लगी रहती है और जो हमारा MDO ब्रेकर होता उसके अंदर चार्जिंग मोटर नहीं होती है। तो लाइए कैमरे को थोड़ा आगे, इधर दिखाइए। दोस्तों, ये हमारी चार्जिंग स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है। जो भी हमारा EDO ब्रेकर होगा उसके अंदर ये स्प्रिंग चार्जिंग हमारी मोटर लगी रहती है और इसके लिए हम 220 वोल्ट AC सप्लाई देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि हम 1 मंथ का टेक्निकल कोर्स कराते हैं जिसमें थ्योरिकली सेंटर पर और प्रैक्टिकली प्रॉपर साइड पर ले जाकर हर इक्विपमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज देते हैं, जो भी फिटेड इक्विपमेंट साइड पर होते हैं। दोस्तों, देश के किसी भी कोने से आकर कोई भी हमारा टेक्निकल साथी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि हमने हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में दी हुई है। हॉस्टल फैसिलिटी का कोई चार्ज नहीं है और यह कोर्स मात्र 1 मंथ का है। इसको 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम 100% जॉब प्लेसमेंट कराते हैं और जॉब प्लेसमेंट का भी कोई चार्ज नहीं लेते। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम फीस की, कि कोर्स की हमने फीस क्या रखी हुई है। तो दोस्तों, कोर्स की जो फीस है, हम कोर्स के दौरान मात्र 2500 रुपये लेते हैं और जैसे ही बच्चे को जॉब प्लेसमेंट करा देते हैं 2500 रुपये हम तब लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, जो कोर्स की टोटल फीस है वो मात्र 5000 रुपये है। दोस्तों, जो भी हमारे साथी ITI डिप्लोमा या BTEC करने के बाद अभी तक घर पे हैं या अपना कोई रेफरेंस ना होने की वजह से किसी अलग फील्ड में वर्किंग है, या हमारे टेक्निकल से वो साथी जो कई कई वर्ष से एक ही पद पर कार्यरत हैं, पद प्रमोशन नहीं हो रहा, तो उस टाइप की भी हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं और 101% पद प्रमोशन कराते हैं।
दोस्तों अधिक जानकारी के लिए YouTube पर हमारे जेनिथ स्केल चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।